सेंटर के नाम से शहर में विदेशी युवतियों नाल जिसमें फरोशी के धंधे का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल की हिदायतों से सिविल लाइनस इलाके में 3 स्पा सेंटर और सैलून से रेड की। थाना सिविल लाइनस के SHO शिवदर्शन सिंह ने दसाया कि इस कार्रवाई दौरान पुलिस ने थाईलैंड दी 8 युवतियों समेत 12 लड़कियां और 13 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि यह विदेशी लड़कियां किस वीजे नाल भारत आईया सन या यह गैर कानूनी ढंग नाल भारत में रह रही सन। यह सानू भरोसेजोग सूत्रों की इतलाह मिली सी कि जिहड़ा थाना सिविल लाइन एरिया में कोई मसाज सेंटर ने यह मसाज सेंटर की आड़ बदकारी का धंधा करते हैं, जो सीनियर अफसर हदायतों से मुखबर खास वालों मिली इतलाह से जरा निगरानी रखी जा रही थी। तो इतने जरा कल 3 स्पा सेंटर से वक् वक् टीम बना के रेड किए गए हैं, जिस कुल 13 लड़के 12 लड़के जड़िया मसाज सेंटर जो तराजोग हालत बदकारी का धंधा करते हुए काबू किए हैं। तो इन्हों के खिलाफ़ असी 3 वक् वक् मुकदमे दर्ज किए हैं, 13 लड़कियों को गिरफ़्तार किया जी। कुल 12 लड़कियां जी, इन 8 लड़कियां थाईलैंड दी ने जिहड़ियां टूरिस्ट वीजे पर आईया ने, तो जिहड़ा इत्थे वर्क परमिट कर रही थी, तो दूजियां 4 लड़कियां जिहड़ी है इंडियन। ये बारे असी इमीग्रेशन डिपार्टमेंट तो पता कर रहे हैं, FIR नूं चिट्ठी लिख दी है। ये आउंदियां जांदियां रहिंदियां जी, कोई वक् वक् आ गईयां चल गईयां, इदां करके मसाज सेंटर वाले लैके आउंदे ने। इन्हां मालकां दे खिलाफ़ असी मोटर ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट दे तहत मुकदमा दर्ज किया जी, उन्हां नूं गिरफ़्तार कर लिया, अज पेश अदालत कर रहे हैं। ये वक् वक् समय तो कर रही ने, कुछ चल जाए कुछ आ जाए, डिटेल ले रहे हैं, आफ्टर इनवैसिगेशन दसांगे।